दिस इज मोहम्मद मुदस्सिर आलम एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन youtube.com/MD Mudassir Alam चैनल। वी आर ब्रिंगिंग एन एक्सक्लूसिव शो द मुदस्सिर टॉक शो, अ टॉक शो ब्रिंगिंग एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. assalamu alaikum, namaste, hello and welcome, main mohammad mudassir alam the mudassir talk show ke ek naye episode mein aapka स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको शो का फॉर्मेट पता है, इस शो में हम बातें करते हैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से जिन्होंने अलग अलग फील्ड में पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे एक शख्स को लाए हैं जो हमारे गेस्ट हैं। उनका नाम है मिस्टर नदीम सोहेल। नदीम सोहेल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाई की है। फिलहाल वो गुड़गांव में विप्रो में प्रोजेक्ट मैनेजर के ओहदे पे फायज हैं, काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसी रही उनकी जर्नी, लाइब्रेरी साइंस फील्ड में कैसा करियर होता है, कितना खर्च आता है इस तरह के कोर्स को करने में और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या पहलू हैं। तो चलिए देखते हैं द मुदस्सिर टॉक शो के इस खास एपिसोड में मिस्टर नदीम सोहेल से हुई बातचीत। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है नदीम सोहेल साहब मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, और मैं सबसे पहले आपके शो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपका जो शो है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जो भी व्यूवर्स हैं खास करके जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो आपने डिफरेंट फील्ड के जो लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गेन लोग करेंगे इससे जो स्टूडेंट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो पहला सवाल मेरा यही रहता है कि आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपना, कि आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ अभी फिलहाल आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। जी मेरा नाम नदीम सोहेल है और मैं बूढ़ी मारी कोचा दामन से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो पढ़ाई हुई है, सबसे पहले इंसान स्कूल से मैं पढ़ा, उसके बाद फिर रिधासा में सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई हुई, और फॉर्चुनेटली आई रीच टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर लाइब्रेरी साइंस में मैंने मास्टर डिग्री किया। करेंटली आई एम वर्किंग इन विप्रो डीओपी फील्ड। डीओपी मीन्स द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल ऑपरेशन, एंड प्रायर टू विप्रो आई वर्क विद TCS फॉर 5 years, एंड आई ऑल्सो वर्क विद जिंदल एंड वन ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट। काफ़ी ब्रीफ में आपने जर्नी अपनी बता दी नदीम सोहेल साहब, जो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से जानना चाहूँगा जो लाइब्रेरी साइंस फील्ड है। तो जहाँ तक अपना एरिया कहलाता है, किशनगंज का है या सीमांचल का एरिया कहें, तो बहुत कम ही लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं और कम ही लोग इस तरफ अपना करियर परसू करते हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला या फिर आप एक्सीडेंटली इस फील्ड को ज्वाइन किए, कहाँ से आपको आइडिया आया इस फील्ड का। जी मुदस्सिर भाई, एक चीज बोलना चाहूँगा, एक फिल्म है उसका डायलॉग है कि बाबू मोशाय लाइफ बड़ी होनी चाहिए ना कि लंबी होनी चाहिए। और एक दो लाइन और बोलना चाहूँगा मैं नीता फाजली साहब का, कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलता तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो मेरी जो पैदाइश और जर्नी है एक थोड़ी सी है कि अगर लाइफ में अगर कोई कुछ करना चाहता है, और जो सक्सेस का जो पैरामीटर है मेरे लिए लाइफ में, वो है कि आपको जो भी मिलता है, जैसे एक चिड़िया है जब वो पैदा होती है तो उसका जो
अंडा जो जिसके अंदर वो रहती है तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, तो उसी में वो खुश रहती है। तो जो सक्सेस का पैरामीटर है कि आप अगर खुश हैं जहां भी तो आपकी लाइफ सक्सेस है। तो मेरी पैदाइश पूर्णिया में हुई, जब मेरे वालिद साहब वहां पर लॉयर थे, फिर जब किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बना तो फिर हम किशनगंज मूव हुए। और जो मेरी पढ़ाई पहले इंसान स्कूल से हुई, फिर सेंट चाइल्ड स्कूल विदासा में काफ़ी अच्छा स्कूल था, फिर वहाँ से इंटर हाई स्कूल से मैंने 10th किया, और जब मैं मारवाड़ी कॉलेज पहुँचा तो फिर मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता चला। मैं BSc फर्स्ट ईयर में था और लगभग 2 साल इंतज़ार करने के बाद मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो जब मैंने पता किया कि 5 साल में यहाँ ग्रेजुएशन होता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा 2 साल मेरा गैप हुआ। फिर मैंने यहाँ से मूव किया पटना, और फिर जब पटना मैंने मूव किया तो पटना में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, और मेरे पापा लॉयर थे तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं BLL करूं। फिर वहां से मैंने फॉर्म भरा, फिर अलीगढ़ गया। तो जब अलीगढ़ देखा तो मैंने, मतलब जाहिर सी बात है कि जब पहली बार कोई अलीगढ़ पहुंचता है और इतने बड़े इंस्टीट्यूट को देखता है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप बोलिए कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ BLLB में, तब मैंने जाके ज्योग्राफी में एडमिशन लिया। और ज्योग्राफी के साथ जो मेरा सब्सिडरी था जियोलॉजी और केमिस्ट्री, मैं यहाँ जियोलॉजी के भी बारे में बताऊंगा आगे। इसके बाद वहाँ पर जब मैंने आपको देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2003 में गया था मैं और आपने मास कॉम लिया था, तो मैंने देखा कि सबसे जो लोएस्ट फीस किस कोर्स का है, तो वो मुझे मिला था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो मैंने 2 कोर्स में जो है मैंने फॉर्म भरा था, और जाहिर सी बात है एग्ज़ाम होता है कोई भी इजी नहीं है, अगर आप सोचेंगे आपको मिल जाएगा, तो मेरा मास कॉम में नहीं हुआ और मैं लाइब्रेरी साइंस में गया। फिर वहाँ से मैंने बैचलर किया और फिर मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि द डे आई वॉज सबमिटेड माई डिजर्टेशन, द नेक्स्ट डे आई ज्वाइन द जॉब। और इस ओके जर्नी में मैं, मेरे जो भाई हैं तारिक सोहेल, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इवन कि उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हायर एजुकेशन इज मस्ट, तो उन्होंने PhD के लिए बोला। बट एक था कि नहीं, चलो कुछ करना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। और 5 साल की जर्नी मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रही, और मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि 5 साल में जो टोटल मेरा पढ़ाई का खर्च हुआ वो ओनली 80,000, जो 5 साल में, 5 ईयर्स। और फिर वहां से मैंने, आपको बताऊं, मैं एकेडमिक्स में गया, बिकॉज ये जो फील्ड है बेसिकली जिन लोगों को पता है कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही होता है, तो स्टार्टिंग मैंने एकेडमिक्स में किया। फिर केंद्रीय विद्यालय में मेरा रिटर्न हो गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरा जो सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और 3 साल मैं एकेडमिक्स में रहा। उसके बाद आप यकीन करेंगे कि इन 3 साल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक IT की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, और 2 साल में फेल हुआ। वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पेशल लाइब्रेरी चेन है वो। तो जब उसके बारे में पता चला, मैं 2 साल फेल हुआ, लेकिन तीसरे साल मैं आई गॉट सिलेक्टेड इन TCS। ओके तो एक नॉन टेक्निकल बंदा, IT फील्ड का बंदा टेक्निकल में जाता है, तो आई एक्सप्लोर द थिंग्स। तो वहाँ मैंने 5 साल काम किया, फिर वहाँ से जो है मैं विप्रो मूव हुआ, और आज मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विप्रो में हूँ। 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो लाइफ की जो जर्नी है, मतलब इसमें बस वो है कि अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, और मेरा मानना है कि वी डोंट नीड टू मैनेज आवर टाइम, वी नीड टू मैनेज आवर एनर्जी, तो हमें आउटपुट कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। तो ये मेरी जर्नी रही, कंप्लीटली जर्नी ये मेरी रही। और ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी जॉब चल रही है मेरी, तो ये है। चलिए, काफी एक अलग सा फील्ड आपने चूज किया और जो एक दो रीजन बताया वो काफी वैलिड भी लगता है। और खास करके जो हमारा एरिया है, जैसे सीमांचल का है, बिहार का है, मोरलेस ऐसे ही हालात हैं। लोग कई वजह से पढ़ाई नहीं करते, आगे परसू नहीं करते, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और आपने उसको एक चैलेंज लिया, ऐसा नहीं था कि आप नहीं पढ़ सकते थे, आप फी नहीं दे सकते थे, लेकिन आपने कहा कि आपको एक इकोनॉमिक वे में पढ़ाई करनी है।
जो मुझे समझ में आया आपकी बातों से, और आपने एक ऐसा कोर्स किया जो कम टाइम में आपको जॉब दिला सकता था, जिसको कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड। एवरी साइंस में कितना टाइम लगता है, जो कि किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर होता है इसका, और कहाँ तक हायर एजुकेशन होती है? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, एक वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड पहले एज में जैसे प्रिंट था, अभी मूव टू डिजिटल। तो लाइब्रेरी साइंस तो वैसे यू ओन्ट बिलीव दैट कि 120 यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कोर्सेज, बट आई सजेस्ट कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी जो है मास्टर डिग्री इंट्रोड्यूस कर दिया, और BHU है। ये चार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनकी जो कोर्स करिकुलम है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज जो मैं हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इस कोर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस में। तो इसके अलावा जैसे निस्केयर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स न्यू दिल्ली में, DRTC है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में। आप DRTC के बारे में यू वोंट बिलीव दैट कि जो MBBS करके आते हैं, दे ऑल्सो केम फॉर दिस कोर्स मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। और जी, और अभी जो है IGNCA है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, उन्होंने भी जो है डेटा मैनेजमेंट, डेटा रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह पे भी जो है कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, अगर आप कम्बिनेशन देखेंगे, अगर कोई BCA BIT किया है उसके साथ लाइब्रेरी साइंस कर ले, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कोई अगर हिस्ट्री करके आता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आर्काइविस्ट बन सकता है। और अरबी आपको आता है तो आप जो है अरबी के साथ लाइब्रेरी साइंस करते हैं तो सऊदी या गल्फ में भी जो है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं इसमें फर्दर जैसे बताना चाहूँगा कि जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे रिसर्च सपोर्ट हो गया, डेटा बेस्ड मैनेजमेंट हो गया, एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया, और जो न्यूज़ बुलेटिन्स वगैरह होते हैं, एक्सेस मैनेजमेंट होते हैं, कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है, ये सारे प्रोफाइल हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से आते हैं। और इसके साथ मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, मतलब डिजिग्नेशंस हैं, अगर जैसे हम, बिकॉज एकेडमिक्स का तो यू नो दैट कि लाइब्रेरियन होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट होते हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को अगर करेंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंफोसिस है, डियोलाइट्स हैं, या और भी जो IT कंपनीज हैं, ITC हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन सेंटर काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें जो डिजिग्नेशंस होते हैं, जैसे रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट होते हैं, डेटा मैनेजर होते हैं, रिकॉर्ड मैनेजर होते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं, इंडेक्सर होते हैं, कैटलॉगर होते हैं, मतलब इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं अगर आप एक कोर्स करते हैं। और मैंने इसलिए बोला, मैंने जैसे इग्नू से है, तो अगर आप प्रोस्पोंडेंट से करते हैं तो आज के ज़माने में जैसे IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको आप हैंड ऑल नॉलेज नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने DU और JNU का नाम बताया। और इसके जो मतलब कोर्स है काफ़ी इकोनॉमिकल है, कोई भी कर सकता है। बिकॉज देखिए, अगर हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग और थोड़ा सा अगर हम MBBS से अगर बाहर आए, तो इसमें नंबर ऑफ जो है जॉब्स ऑप्शन है, और नॉट इन इंडिया, मतलब अब्रॉड जैसे भी आप बाहर देख भी? सकते। जी, जो जी आपने बातें बताई, लाइब्रेरी साइंस का इम्पोर्टेंस मुझे इसलिए भी लगता है कि आप किताबों की दुनिया में भी रहते हैं, जो कि आप वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है, कि आप ऑनलाइन भी कहीं भी बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि तो इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है, इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन लेस एक्सप्लोर्ड है मुझे जहाँ तक लगता है। और क्योंकि मुझे, मेरा अगला जी सवाल यही है कि जी जी आपने जो किया, क्या आपके इर्द गिर्द कोई आपसे इंस्पायर हुए, या किसी ने आपसे पूछा कि नहीं मुझे ये कोर्स करना है तो मुझे कुछ टिप्स दें, या फिर इस तरह कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है क्या? जी मतलब मैं तो ज़्यादातर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ टच रहा, तो काफ़ी सारे मतलब ग्रेजुएशन के बाद मुझसे, मतलब जिन्होंने बोला कि क्या है डिफरेंट, आप IT में हो और आप 8 साल से IT सेक्टर में हो और लाइब्रेरी साइंस हो, तो काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो मेरा प्रोफाइल है,
प्रोजेक्ट मैनेजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा जो है चार डिपार्टमेंट है, एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट है और डेटा मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है और लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। तो ये सारा फील्ड मैं देखता हूँ। तो जो मेरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो है ऑयल एंड गैस का, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स यूनिट। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो बंदे हायर्ड होते हैं वो आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन अब जो ये कोर्सेज आ रही हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इस कोर्स में अब जितने भी जो जॉब प्रोफाइल अभी जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं तो उसमें ये मस्ट हो गया कि आपको मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन चाहिए। बिकॉज जो डेटा मैनेजमेंट है, हाँ मतलब वो बीटेक है इट इज़ फाइन, बट हाउ टू क्लासीफाई द नॉलेज, हाउ टू डिलीवर द नॉलेज और द बेस्ट पार्ट इज जो इथिक्स है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल ही समझ सकते। ओके ओके, इसलिए इसको मस्ट कर दिया गया और इसी वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वही घूम के आता है कि अभी क्या उस तरह का इस कोर्स को लेकर, एक तो कंपल्शन हो गया, जैसे कि जमाने में हमने देखा था कि सेफ्टी मैनेजमेंट में 6 महीने का कोर्स करने के लिए लोग काफी उतावले हो रहे थे, इस तरह का एक्साइटमेंट क्या लाइब्रेरी साइंस को लेकर है? खास करके मैं अगर बात करना चाहूँ बिहार, बिहार में अगर आप देखें तो एक इक्का दुक्का ही इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ इसकी पढ़ाई होती है, अगर मैं राइट हूँ। नहीं, मैंने इसलिए जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूट का नाम लिया कि मेन है कि अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं तो डेफिनेटली, मतलब आप देखेंगे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और DU, वो जैसे फ्रेशर होते हैं और उनको ये IT कंपनी या फिर जो ये जो जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी है प्रेशर इनको लेके जाती है, मतलब इनका जो है प्लेसमेंट होता है, करिकुलम काफी अच्छा है जो अभी। जी जी जी, करिकुलम काफी अच्छा है और इसके स्कोप भी है। मैंने आपको स्कोप बताया ना कि जितने भी जैसे IT कंपनी है तो उनका जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट है, TCS की बात करूँ उसमें IT एंड इनोवेशन पे एक बजट है, टाटा मोटर्स की मैं बात करूँ तो टाटा मोटर्स का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और एक लंबा चेन है। तो इसमें वो नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी और जो है हम सिर्फ बुक दे रहे हैं या ले रहे हैं, मतलब जो हम अभी काम कर रहे हैं वो ज्यादा डेटाबेस, जो हमारा काम है जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट का वो डेटाबेस है, जो जैसे वो रिसर्च कर रहे हैं तो एक क्वेरी आती है हमारे पास कि ऑयल एंड गैस में अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, तो वो उस पर हम एक्सप्लोर करते हैं। Okay. तो हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास डेटाबेसेस है, वी नो हाउ टू एक्सेस, वी नो हाउ टू सर्च। तो पहले क्या होता था कि पहले बीटेक वाले को हायर करते थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब अगर आपका बीटेक है देन प्लस दे रिक्वायर्ड द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो अभी ये UGC भी चल रही है कि जो सिलेबस है उसको चेंज किया जाए बिकॉज IT पार्ट अभी ज्यादा है, तो स्कोप जो है अभी भी है और आने वाले टाइम में भी ज्यादा है। जैसे आपने डेटा, मेटा डेटा का नाम सुना होगा, डेटा एक्सप्लोजन का नाम सुना होगा, तो इस पे अभी काफी सारे लोग जो है काम कर रहे हैं और इसके लिए उनको जो है लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल ही चाहिए होती। ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल होंगे वो डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ ऑटोमेटिक एक लाइन में जब आप देखें कि आपको उस फील्ड का कहाँ से कैसे डेटा एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट करना है, वो जितनी आसानी से एक प्रोफेशनल कर पाएंगे एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल। नदीन साहब, आपने कई बातें बताई और काफी अच्छी बातें बताई आपने, इस फील्ड के बारे में काफी कुछ जानने समझने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शो का एक फोकस एरिया होता है सीमांचल और बिहार के वो यूथ जो अलग अलग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बहुत ही शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज है इस तरह के यूथ के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं और एक इस तरह के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी, एक्चुअली मैं उन यूथ और स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो लोग MBBS की तैयारी करते हैं और जैसे फेल हो जाते हैं, या इंजीनियरिंग है और इसके जैसे नेक्स्ट MBA है, तो इसके अलावा भी जो ये जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो फील्ड है, और मैंने जैसे निस्केयर का नाम लिया, IGNCA का नाम लिया, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं और इसके साथ अगर ये 2 साल का अगर आपके पास कोर्स है वो भी एक अच्छे जगह से, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ब्रॉड है और गवर्नमेंटल तो जो है इसके अलावा मतलब इंडिया में और इंडिया से बाहर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप naukri.com पे अगर सर्च करेंगे
तो इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, किसी को पता ही नहीं है कि ये इस प्रोफाइल के जॉब के रिक्वायरमेंट मार्केट में, नॉलेज मैनेजर, मैनेजमेंट, रिसर्चर, इंडेक्सर, तो काफी सारी छोटी मोटी कंपनी है। इवन कि अगर आप बिजनेस की बात करें, अगर आप कोई कंपनी, तो डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं। और जैसे आपने पूछा कि सीमांचल और बिहार के बारे में, तो मतलब बिहार गवर्नमेंट के पास भी जो है बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। अभी जैसे विप्रो ने भी जो है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें भी जो है हम लोगों की रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग देख रहे थे, अभी इस पे बात थी। तो ऑप्शंस हैं, अगर आप लाइब्रेरी साइंस से किसी अच्छी जगह से करते हैं, या आप जैसे पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करते हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हैं ग्रेजुएशन के साथ, तो इसके सारे इसके इसके लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं उन जुट से कहना चाहूँगा कि जो मेरा जो कि मैसेज है कि लाइफ में कुछ भी हो, गैप नहीं आना चाहिए, कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। जो मैंने बोला था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो वो गैप नहीं आना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, जैसे बिहार में 5 साल का होता है, तो आप कहीं पर मूव करो, ग्रेजुएशन कम्प्लीट करो। आपका जो टारगेट था, एमबीए था या इंजीनियरिंग का था, वो पूरा नहीं होता। इवन कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, जॉब नहीं है, आप डिप्लोमा करो। डिप्लोमा के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मैंने आपको बताया कि आईटी फील्ड में इंडिया से बाहर और भी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके भाई, नदीम साहब, आखिर मैं यही सवाल कि आपसे कोई जुड़ना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? जी वैसे तो जैसे हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लेवल पे जो है कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करें। कोई गरीब है, अगर आपकी एबिलिटी 10 रुपए की है तो 10 रुपए दे। तो मैं थोड़ा बहुत सोशली एक्टिव हूँ, फेसबुक में हूँ, व्हाट्सएप में हूँ, फोन पे हूँ। तो मेरे जो फ़ोन नंबर है 9999530476, मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक में भी मैं अवेलेबल हूँ। तो करियर गाइडेंस को लेकर जो है मैं काफ़ी जो है उनको हेल्प कर सकता हूँ। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे एक सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया है जियोलॉजी, क्योंकि तो मेरा बीएससी ज्योग्राफी जियोलॉजी था। मैं एक बता दूँ आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है जियोलॉजी से, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, और सब्सिडरी में आपका अगर फिजिक्स और मैथ होता है, मैं उनके लिए बोलूँगा कि जो लोग इंजीनियरिंग में फेल हैं, तो आप बीएससी जियोलॉजी करके सीधे आईआईटी में एंट्रेंस के थ्रू आप आईआईटी जा सकते हैं एमटेक करने। तो करियर करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का है, और मैं इंडिया और साउथ अफ्रीका देखता हूँ, बिकॉज ऑफ जो मेरा सब्सिडरी है वो केमिस्ट्री और जियोलॉजी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, लॉट्स ऑफ जो है वर्सलिटी है, तो देर इज ए विल, देर इज ए वे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें आपने बताई, मुझे उम्मीद है जो लोग भी इस एपिसोड को देखेंगे उनको काफी फायदा होगा। और जैसे आपने बिल्कुल ओपनली अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आपके पास अब आप कॉल आने शुरू हो जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपने यूज का, और दूसरे लोग जो भी कॉन्टेक्ट करें, अच्छे से आप गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मदर सेटर। मुझे ये यकीन है कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको लाइब्रेरी साइंस फील्ड, इस एरिया से जुड़े कई चीज़ों को जानने का मौका मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मिस्टर नदीम सोहल से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है। नवदस्य टॉक शो के एपिसोड को आप ऐसे ही देखते रहिए। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे दूसरों से शेयर कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि दमोदसी टॉक शो के नए एपिसोड्स को आप मिस न कर जाएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखें अपना। जो भी आपके दिमाग में दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन है, आप बिला झिझक मुझे पूछ सकते हैं। दमोदसी टॉक शो के अगले एपिसोड तक आप खुश रहें, अच्छे से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। Please like the video, subscribe the channel, and hit the bell icon for latest notifications.